अपने मकान का ताला तोड़कर गहने चोरी करने वाले आरोपी मनीष सुरेश डहरे और सागर उर्फ राकेश भगत निर्मलकर, ऐसे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 61,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोपाल नगर डिप्टी सिग्नल कलमना निवासी लता पन्नालाल शाहू ने कलमना थाने में चोरी की शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बताया कि गत 30 अगस्त को काजल तीज होने पर अपनी मां के घर छोटे बेटे के साथ गई थी। घर पर बड़ा बेटा था। 1 सितंबर को उनका बेटा भी नानी के घर चला गया। इस दौरान अज्ञात चोर उनके मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने सहित करीब 61,000 रुपए का माल चुरा ले गए। 2 सितंबर को जब लता का बड़ा बेटा घर गया तब मकान का ताला टूटा पड़ा था। घर में चोरी की जानकारी मिलने पर लता अपनी मां के घर से अपने घर गई। घर की अलमारी से गहने चोरी थे। कलमना पुलिस ने लता की शिकायत पर मामला दर्ज किया। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी मनीष डहरे और सागर उर्फ राकेश निर्मलकर को पकड़ा। दोनों आरोपियों से चोरी का माल जब्त किया गया। ऐसी जानकारी कलमना पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक महेंद्र आम्भोरे ने दी। दिनांक 1 तारखेला श्रीमती लता पन्नालाल साहू राहणार गोपाल नगर डिप्टी सिग्नल ह्या त्यांच्या कुटुंबासहित बाहेरगावी गेल्या होत्या। घराला लॉक होतं, तर घराला लॉक असतानाच त्यांच्या घरी डिप्टी सिग्नलला चोरी झाली। घराचा दरवाजा तोडून, लॉक तोडून आणि घरामधून सोन्या चांदीचे दागिने असा 59,500 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीला गेला। त्या जेव्हा गावावरून परत आल्या तेव्हा 2 तारखेला पोलीस स्टेशनला याबद्दल रिसर गुन्हा नोंद झाला। गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलीस DB पथकाचे API सावंत व त्यांच्या टीमने या गुन्ह्याचा शोध सुरू केला आरोपींचा। तर त्यांना असं माहिती पडलं की डिप्टी सिग्नल येथेच राहणारे मनीष सुरेश डहरे व 19 वर्ष व त्याचा साथीदार राकेश उर्फ सागर भगत निर्मलकर व 19 वर्ष या दोघांनी ही घरफोडी केल्याची त्यांना माहिती प्राप्त झाली। त्यावरून त्यांनी दोघांनाही ताब्यात घेतलं। त्या गुन्ह्यामध्ये त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। त्यावरून त्या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आणि तपासादरम्यान दोन्ही आरोपीकडून चोरी झालेला सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे। यामध्ये सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे आणि सध्या तरी हे दोनच आरोपी आपल्याला निष्पन्न झालेले आहेत। तर शक्यता कमी आहे तरी आपला त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहे, तपास सुरू आहे। BCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।